अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम आपको हरी मिर्ची की खेती दिखाएंगे। फ्रेंड्स ये देखिए, हमने हरी मिर्ची लगाई है। ये मार्च के महीने में हमने लगाए है। अब ये पूरी तरह तैयार हो चुके हैं, खूबसूरत मज़ेदार मिर्ची। ये देखिए फ्रेंड्स, कितने खूबसूरत फल है। फ्रेंड्स मिर्ची लगाने का तरीका बहुत आसान है। मिर्ची आप तकरीबन, हमने तो बहुत कुले कुले लगाए हैं, तकरीबन 1.5 फुट के फासले पर, लेकिन ये आप 6 इंच के फासले पर भी लगाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा साबित होगा। और फ्रेंड्स हरी मिर्च कम खर्च वाला और ज़्यादा कमाई वाला फसल है। मिर्ची पर ज़्यादा खर्च नहीं आता है, इस पर कोई खाद नहीं लगता, इसके के लिए कोई स्प्रे नहीं लगता है, इस पर कोई बीमारी नहीं आती, और बस बीज लेना पड़ता है और अच्छी तरह खेत को हल करना पड़ता है। फ्रेंड्स आज हम आपको मिर्ची का काश करने का तरीका और इसके बनने बनाने का तरीका दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये बीज है, ये खाद है, काफी होगा। अभी ये तैयार हो गया, तकरीबन 1 फुट के फासले पर ये लगाएंगे, ये काश करेंगे 1 फुट के फासले पर लगाएंगे। पहले सुराख और आहिस्ता से नरमी से
हम आज आपको मिर्ची के पौधे के तीजी कटिंग के बारे में बताएंगे कि ये किस वक्त होता है, कैसे होता है और फिर इसके फ़ायदे क्या है। तो ये मिर्ची का पौधा है, ये तकरीबन 7 इंच है और इसका कोई शाख नहीं है, देखो ये सारा बस एक ही तना है। तो मिर्ची के पौधे का 3G कटिंग इस वक्त शुरू किया जाए, इस वक्त होता है जब पौधा 6-7 इंच का हो जाए। तो 6-7 इंच का जब पौधा हो जाए तो इसका पहले स्टेज शुरू हो जाता है। तो ये पौधा इसका हम 3G कटिंग करते, तो जब इसका हम 3G कटिंग करेंगे तो इसके बहुत से नए नए शाखें निकल आएंगे। तो आज हम इसका पहले स्टेज पहले 3G कटिंग करते हैं। तो इसका 3G कटिंग ऐसा होता है, देखो इसका ये तना है, ये ऐसा इसका ये देखो नाजी, ये पौधे का मेन ब्रांच है। तो इसका हमने 1G कटिंग किया। तो अब इसके हर पत्ते से नए नए शाख निकले, इधर यहाँ से यहाँ से यहाँ से सारे शाखे ये निकल आएंगे। तो फिर इसका हम उसका 2G कटिंग करेंगे। देखो नाजरीन, इसका हमने 10-12 दिन पहले 1G कटिंग किया था। तो देखो ये मेन तने से कितने बहुत शाखे निकले। तो इसका हम 2G कटिंग करेंगे। हम इसका दूसरा स्टेप करते 2G कटिंग। तो 2G कटिंग जब आप इसका करेंगे तो आपका दिल नहीं चाहेगा, ये देखो कितने सब शाखे निकल आए, कितने अच्छे अच्छे खूबसूरत शाखे। लेकिन आप दिल पर पत्ता लग कर इसका 2G कटिंग करेंगे तो ये देखो नाजी, हम इसका ये देखो ये सारे ये काहे हैं, ये देखो ये सारे ये 2G कटिंग सारे शाखों से ऊपर का सिरा काट के ताकि और भी नए नए ब्रांचेस निकल आए ये ब्रांचों से। तो ये हमने देखो ये सारा बहुत काट के ये ब्रांच एक ब्रांच ये है, ये जो नीचे से निकल आया ये देखो इसका भी हमने 2G कटिंग किया। तो इसको हम इंशाल्लाह 10-12 दिन के बाद फिर देखेंगे कि आया इसको 3G कटिंग की ज़रूरत है या नहीं। अगर 3G कटिंग की ज़रूरत हो तो करेंगे, अगर नहीं हो और बहुत सारे पल फूल निकल आए हो तो फिर हम इसको छोड़ेंगे। देखो नाजरीन, ये वही पौधा है जिसका हमने 1G और 2G कटिंग किया। इसके बहुत सारे जो है ना इस साइड ब्रांचेस निकल आए हैं। ये देखो ये ब्रांचेस इसका जो हमने कटिंग किया था, तो ये देखो इसने 1, 2, 3 और ये 4 शाखे ब्रांचेस से और शाखे ब्रांचेस निकल गए, ये निकल आए। ये देखो इससे भी ये जो मेन हमने काट लिया था, तो ये देखो इसके 1, 2, 3 और 3-4 शाख और निकले। तो अब 2G कटिंग के बाद इसका 3G कटिंग की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब बिल्कुल शाख बहुत ज़्यादा शाख निकल आए और ये और शाखें जो है शाखों से शाखें निकल आए हैं। तो ये शाखें भी जब बढ़ जाए नशुमा पाए तो ये बहुत बड़ा पौधा बन जाएगा और ये इंशाल्लाह तकरीबन 4-5 किलो तक मिर्ची देगा सीजन में। तो 3G कटिंग के फ़ायदा ये है कि एक पौधे के शाखे बहुत निकले और ये बहुत पैदावार थी, तकरीबन 4-5 किलो तक ये आपको पैदावार देगा। तो इस तरह अगर घर में गमले में भी लगाए या घर में अगर कोई चमन हो चमन में भी लगाए, तो 3-4 पौधे अगर लगाए तो ये एक तरफ घर की खूबसूरती भी होगी, डेकोरेशन भी होगा और दूसरी तरफ ये आपको फल देगा। तो अगर घर में अगर कोई हो किसी के गमले में या चमन में कोई पौधा हो तो इसका 2G और 3G 1G कटिंग किया जाए। वस्सलाम।
अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ये वही पौधा है मिर्ची का जिसका हमने तीजी कटिंग किया था। तो देखो नाजरीन ये कितने शाखे पर और फूल निकल आए। ये देखो नाजरीन इसका हमने पहला स्टेप जो किया था वन जी कटिंग यहाँ से किया था। ये देखो जी जिसकी वजह से ये देखो ये सारे शाख ये और ये निकल आए। फिर टू जी कटिंग जो किया यहाँ से किया तो देखो यहाँ से ये देखो ये शाख ये देखो ये यहाँ से किया तो ये शाखें देखो ये निकल आए। ये तीन एक तने से तीन शाख, फिर ये देखो ये यहाँ ये देखो इससे ये चार पांच शाख। टू जी कटिंग किया था फिर थ्री जी कटिंग की जरूरत नहीं थी क्योंकि पल और फूल शाखे ब्रांचेस बहुत सारे ब्रांचेस निकल आए हैं। तो अब ये बहुत पैदावार आपको देगा, एक पौधा तीन चार पौधे के मुताबिक आपको ये पल देगा आपको। तो आए ये सारे पौधों का हमने थ्री जी कटिंग किया था। देखो ये माँ ये देखो कितना ये पल और वगैरह ये देखो नाजरीन ये देखो इसका भी हमने थ्री जी कटिंग किया था। ये देखो ये यहाँ से किया था तो ये थ्री जी कटिंग किया था टू जी टू जी कटिंग किया था थ्री जी कटिंग फिर छोड़ दिया क्या ज़रूरत नहीं थी थ्री जी कटिंग की क्योंकि बहुत सारे शाख निकल आए हैं। तो अब ये देखो नाजरीन इसका भी हमने ये टू जी कटिंग किया था। ये देखो कितने सारे पल और फूल सारे ये देखो ये देखो ये देखो ये 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 देखो इसका भी किया था। ये देखो ये सारे शाखे ये ऊपर बिल्कुल छतरी बन गया है बहुत सारे शाखे। ये देखो ये देखो ये देखो सारे बहुत पर सारे देखो ये बहुत शाख बहुत पल ये देखो भाई इसका भी थ्री जी कटिंग किया था। ये देखो कितने शाख कितना पल ये देखो। और ये पौधा इस काम ने नहीं किया था। ये देखो इस पौधे का थ्री जी कटिंग नहीं किया था। इसके ना शाख है ना पल भी कम है। देखो ये एक दो बस दो तने से बस दो सिर्फ दो शाख है और ये पल भी इसका थ्री जी कटिंग किया था। ये देखो साथ ही ये कैसा देखो ये देखो ना इसका हमने थ्री जी कटिंग नहीं किया था। ये देखो एक तना पल भी कम है ये देखो ये पल भी कम है ये देखो ये देखो पल भी कम है ये देखो ये ज़्यादा शाखे भी नहीं निकला है ज़्यादा शाखे भी नहीं है। ये देखो बस पल भी कम है शाखे भी कम है और बहुत कम पल देगा। ये देखो ये भी इस तरह ये इन सारों काम ने तीजी कटिंग नहीं किया तीजी कटिंग। ये देखो ये देखो या दो दो शाखे हैं ये देखो ये सबसे मजबूत पौधा है तीजी कटिंग के बगैर कुछ भी नहीं। ये देखो दो तीन शाख है और छः सात मिर्ची है और जिसका तीजी कटिंग किया था इसका बहुत सारा फल फूल और पौधा भी जो है सेहतमंद है। तो तकरीबन इसको उसका जब मुआयना किया जाए तो ये तकरीबन 10 पौधों के मुताबिक वो पौधा पल देगा आपको जो जिसका हमने 2G कटिंग किया था। वस्सलाम।
Thank you.